एमएसपी का मिलिट्री सर्विस पे का केस हमारे हाईकोर्ट में लगा हुआ है और ये अच्छी तरह से चल रहा है, पॉजिटिव है। इसका प्रमाण ये है कि कुछ फर्जी लोग आके क्लेम कर रहे हैं कि हम केस लड़ रहे हैं, हम केस लड़ रहे हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य इस केस को खराब करना है। उन्होंने आवेदन करके अपनी रीट को हमारे रीट के साथ जुड़वाया हुआ है। दो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रीट है, संगठन की तरफ से सिर्फ वाइस ऑफ एक्सर्विसमैन लड़ रही है, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। हम लोग लड़ाई को बहुत आगे तक ले गए हैं, करीब करीब जीत के करीब ले गए हैं। जीत भगवान और जज के ऊपर निर्भर है, क्या होता है, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी है करी है। लेकिन कुछ लोग यूट्यूबर हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो अपने आप को पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली उनका उद्देश्य इस केस को खराब करना है। उसमें एक सरकारी वकील शामिल है जो कि अधिकारी है, उसने एक सार्जेंट को लगाया हुआ है और उस सार्जेंट ने दो तीन और वकीलों को लगाया हुआ केस खराब करने के लिए, लेकिन वो केस खराब नहीं कर पाएंगे। दावे भरे कर लें कि मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ रहा हूँ, वो लड़ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमारा है, पहले बहस का मौका हमें है। सारी जो दारोमदार है हमारे ऊपर टिकी हुई है, वॉइस के ऊपर टिकी हुई है। हमने बहुत बेस्ट टॉप क्लास के वकील भी हायर किया है, क्योंकि हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। बाकी आप लोग और दिनों की तरह हमेशा हम लोगों के सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। ताकि आपको सबको मालूम है कि वो आरोपी की विसंगतियों के खिलाफ हम लोग पोस्टकार्ड अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से वो आरोपी की विसंगतियों को पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इसका मुख्य दो उद्देश्य है। फर्स्ट, कि देश के कोने कोने में निवास कर रहे 25 लाख पुरुष सैनिक, 7 लाख वीर नारियों को वो आरोपी के खिलाफ विसंगतियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में लड़ाई से उनको जोड़ना है। दूसरा, एक समान विसंगतियों की सूची माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, देश के कोने कोने से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है, उसका मुख्यतः हमने ओ आर ओ पी की विसंगतियों और उससे रिलेटेड एक दो इशू को फोकस किया हुआ है, ताकि सही चीजें प्रधानमंत्री जी तक जाए और भारी संख्या में जाए, लाखों की संख्या में जाए, ताकि हम इन विसंगतियों को दूर कराने में सक्षम हो सके, सक्सेस हो सके, सफल हो सके। क्या है विसंगतियां? स्टार्टिंग में जो प्रपोजल गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ, उसमें था कि बेस ईयर में तीनों सेनाओं से जो अधिकतम पे पेंशन गए हैं उनको रैंक वेटेज के साथ सभी को देना। लेकिन बाद में इस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा और फ्रेश प्रपोजल एमओडी से माना गया, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा था। उसके बाद हमारे अधिकारों को कटौती की गई, उसको मैक्सिमम ऑफ बेस ईयर के बजाय एवरेज पे कर दिया गया। लेकिन बाद में जब टेबल प्रिपेयर्ड हुआ तो उस टेबल में डायरेक्ट एंट्री, आउट ऑफ टर्न परमिशन वाले, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लेने वाले और कोर्ट ऑर्डर पे ड्रा कर रहे पेंशनर के डाटा को इससे अलग रखा गया, मतलब उसको शामिल नहीं किया गया। एमएससीपी जो सब्सटेंटिव रैंक वाले ले रहे थे तो उसकी एमएससीपी सब्सटेंटिव रैंक में ना गिन के उसको जो अपग्रेड हुआ है एमएससीपी की वजह से उस रैंक में जोड़ा गया। ये भी विसंगतियां हैं जिससे हमारी पेंशन कम हुई। दूसरा है कि जो 15 साल तक जो 15 साल से नीचे जितने भी इनवैलिड आउट पहले के पेंशनर हैं उनकी पेंशन सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 साल के बराबर मिलती थी, लेकिन इस आरोपी में उनको कम कर दिया गया। उसी तरह रिवलाइज फैमिली पेंशन वालों को किया गया, जिनको सीडीए सर्कुलर नंबर 530 के अनुसार एक मिनिमम रिवलाइज फैमिली पेंशन मिलता था, उसके आधार उसको खत्म करते हुए उसको एक तरह से पेंशन कम कर दिया गया। दूसरी हमारी मांग है कि पे मैट्रिक जो है सिपाही से लेकर ऊपर के रैंकों को ऑनरी कमीशन तक एक मैट्रिक सब किया जाए और जो जेसियो गस्टेड रैंक माने जाते हैं उनकी पे मैट्रिक्स 8 से शुरू की जाए। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को सर्विस पेंशन के बराबर किया जाए और जो एक सर्विसमैन ऑन रिक्वेस्ट रिटायर्ड हुए हैं उनको भी ओआरओपी का लाभ दिया जाए, क्योंकि जो आर्मी रूल 13.3.3.4 है उसको 6 जून 2017 को जोड़ा गया है,
ओआरओपी के जो इनिशियल लेटर है उसमें ये प्रोविजन नहीं था, इसलिए वो ओआरओपी के हकदार हैं। जो एक्स पे वाले हैं जो 6200 ले रहे हैं 1/1/2016 से, तो 16 से पहले वाले ट्रेड को भी 6200 के दायरे में लाया जाए। हमारे जो मेमोरेंडम 10 जनवरी 2023 22 मार्च 2023 को हमने भेजा था उसको एड्रेस किया जाए, और सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो CHS में हो, CHD में हो, DGR में हो, सोल्जर बोर्ड में हो, उसको जड़ से खत्म किया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेके हम लोग पोस्टकार्ड अभियान शुरू किए हुए हैं। कुछ पॉइंट हमने इसमें नहीं डाले हैं, तो आप ये मत कहना कि ये पॉइंट उसमें ये छूट गया ये छूट गया। हमने सिर्फ ओआरओपी की विसंगतियों और उससे जुड़े एक दो मुद्दे को डाले हैं, बाकी हमने कंप्लीट जो हमारा मेमो है वो 12 मार्च 2023 का है, 10 जनवरी 2023 का है, उसका जिक्र इसमें है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसका हिंदी वर्सन भी हम सर्कुलेट करेंगे, या तो इसको आप लोग 50 पैसे की पोस्ट कार्ड पे हाथ से लिख लीजिए, अपना नंबर रैंक नेम एड्रेस लेके पीएम जी प्रधानमंत्री जी को भेज दें, या इसको अंतर्देशीय पत्र पे टाइप करा लें, या सादे कागज पे टाइप करा के लिफाफे में डाल के 5 रुपये का टिकट लगा के भेज दें। देखिए, हर पूर्व सैनिक को इस अभियान से जुड़ना होगा, ये बहुत सस्ता अभियान है और आप घर बैठे ही इससे जुड़ सकते हैं, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। 50 पैसे से लेके 5 रुपये तक का खर्च है, इसलिए आप इस अभियान से जुड़िए और ओआरओपी की विसंगतियों को हम खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें सहयोग करिए, ताकि हम विजय विजयी होकर उभरे। दूसरा, MSP का मिलिट्री सर्विस पे का केस हमारे हाईकोर्ट में लगा हुआ है और ये अच्छी तरह से चल रहा है, पॉजिटिव है। इसका प्रमाण ये है कि कुछ फर्जी लोग आके क्लेम कर रहे हैं कि हम केस लड़ रहे हैं, हम केस लड़ रहे हैं, जबकि उनका असली उद्देश्य इस केस को खराब करना है। उन्होंने आवेदन करके अपनी रीट को हमारे रीट के साथ जुड़वाया हुआ है, दो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रीट है, संगठन की तरफ से सिर्फ वाइस ऑफ एक्सर्विसमैन लड़ रही है, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। हम लोग लड़ाई को बहुत आगे तक ले गए हैं, करीब करीब जीत के करीब ले गए हैं। जीत भगवान और जज के ऊपर निर्भर है, क्या होता है, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी है। लेकिन कुछ लोग यूट्यूबर हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो अपने आप को पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली उनका उद्देश्य इस केस को खराब करना है। उसमें एक सरकारी वकील शामिल है जो कि अधिकारी है, उसने एक सार्जेंट को लगाया हुआ है और उस सार्जेंट ने दो तीन और वकीलों को लगाया हुआ केस खराब करने के लिए, लेकिन वो केस खराब नहीं कर पाएंगे। दावे भरे कर लें कि मैं लड़ रहा हूँ, ये लड़ रहा हूँ, वो लड़ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमारा है, पहले बहस का मौका हमें है, सारी जो दारोमदार है हमारे ऊपर टिकी हुई है, वॉइस के ऊपर टिकी हुई है। हमने बहुत बेस्ट टॉप क्लास के वकील भी हायर किया है, क्योंकि हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। बाकी आप लोग और दिनों की तरह हमेशा हम लोगों के सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले और पूर्व सैनिक लाभान्वित हो। जय हिंद, जय भारत।